जी Assalamu alaikum, students and viewers. Welcome to this webinar on CSS and PMS. I am Principal Officers Academy, SSP Hamad. और मेरे साथ हैं my wife, Seher Hamad. हमारा ये जो webinar, ये seminar जो है, ये basically चूंकि CSS के बारे में है और PMS के बारे में है, तो it is going to be an informative seminar. और इसमें बहुत सी बातें आपको मैं बताना चाहूँगा आज इंशाल्लाह, जो कि CSS के बारे में उन स्टूडेंट्स के लिए जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल होंगे इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले कि हम अपना ये सेमिनार स्टार्ट करें, उससे पहले दो बातें मैं करना चाहता हूँ। एक तो उम्मीद है कि आप रोज़े रख रहे होंगे और आपको रमज़ान मुबारक जो है उसके मुकद्दस महीने में ये रोज़े रखने चाहिए और उम्मीद है कि आप रख रहे होंगे। दूसरी बात ये है कि आजकल वैसे भी अकेडमीज़ चूँकि बंद हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कि जल्द ये डिज़ीज़ जो है इस पर काबू पा लिया जाएगा और उसके बाद अकेडमीज़ खुल जाएंगी। तो बहरहाल जब तक वो बंद हैं उतने तक तो वैसे भी जो स्टूडेंट्स अकेडमीज़ में नहीं आ सकते, तो उसके लिए भी एक इसेंशियल है कि उनके लिए कि वो लाजमी बात अपने CSS की या PMS की जो स्टडीज़ उनको उनको जारी रखना चाहते होंगे, तो उसके लिए फिर ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं हमने स्टार्ट करने का फ़ैसला किया। और इंशाल्लाह हमारी ये जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं ये अभी स्टार्ट होंगे 12th ऑफ दिस मंथ, और इसकी जो एडमिशन डेडलाइन होगी फिर वो 9th ऑफ दिस मंथ है। तो आज वाला एक सेमिनार है उन स्टूडेंट्स के लिए, मैंने जैसे कहा बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा इंशाल्लाह, जो कि चाहे वो लाहौर के हों चाहे वो पाकिस्तान किसी भी इलाके में रहते हों, रिमोट एरियाज़ में हों, फार फ्लंग एरियाज़ में हों, जो कि लाहौर नहीं आ सकते, उनके लिए ख़ास तौर पर ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। लेकिन ये जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो कि ऑफिसर अकेडमी ने पहली दफ़ा स्टार्ट किए हैं, और इसके बारे में मैं चाहूँगा कि पहले आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो सहर जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद फिर मैं आता हूँ CSS की तरफ इंशाल्लाह। सहर, अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि हमने जो कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है CSS PMS ऑनलाइन मास्टर क्लास, और उसके लिए सबसे पहले आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि एक तो COVID-19 की वजह से ट्रांजिशन हो रहा है पूरी दुनिया में ई लर्निंग की तरफ। दूसरी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जिन कंट्रीज़ में एजुकेशन बहुत अच्छी है वहाँ पर ब्लेंडेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, और ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब होता है दैट यू मेक यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ एजुकेशन अलॉन्ग विद यू नो इनकॉर्पोरेटिंग न्यूअर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। जैसे कि आप बात करते हैं लेट्स से ई लर्निंग पोर्टल्स की, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स की, मेकिंग यूज़ ऑफ इंटरनेट, मेकिंग यूज़ ऑफ स्मार्ट बोर्ड्स। तो पाकिस्तान में भी कुछ जगहों पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। हमने इनिशियली जैसे कि पूरे पाकिस्तान में जूम पर लाइव क्लासेस हो रही हैं, तो हमारे जो ऑनगोइंग सेशंस थे कोरोना आउटब्रेक से पहले उनके साथ हमने एक्सपेरिमेंटल क्लासेस रखी थी जूम पर, एंड वी कंक्लूडेड कि जूम जो है वो इतना इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं दे पाता स्टूडेंट्स को। उसकी कुछ रीजंस हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है जूम आप सबके इंटरनेट पर, अगर किसी का भी इंटरनेट प्रॉब्लमेटिक है तो आपका वो लर्निंग एक्सपीरियंस डिसरप्ट हो जाता है, और अगर आपका एक्सपीरियंस डिसरप्ट हो तो डेफिनेटली आपके वो आउटकम्स फेवरेबल नहीं होते। इस वजह से वी थॉट अबाउट इट, और हमने डिस्कशन के बाद फाइनलाइज किया, जो हमने बहुत रिसर्च कंडक्ट किया इंटरनेशनली किस तरीके से ट्रांजिशन हो रही है एजुकेशन, तो वी ट्राइड टू इंट्रोड्यूस अ डिफरेंट मॉडल, और वो मॉडल है एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसमें वी आर वर्किंग विद अ माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर जिसमें हमने कोर्स क्रिएट किया है, and then we integrate that with our own customized learning management system. इसका आसान मतलब ये है कि हर स्टूडेंट को एक्सेस मिलता है अपने पोर्टल का, जिसमें एक यूजर नेम और पासवर्ड से आप एंटर करते हैं। उसका फर्स्ट स्टेप ये होता है जो कि आज हम आपको देंगे भी इनफैक्ट ट्रायल क्लास के लिए। सो यू गो टू द वेबसाइट, हमारी वेबसाइट है जी csofficersonline.com। आपको वहाँ पे एक स्टूडेंट लॉगिन मिलता है, स्टूडेंट लॉगिन में आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करके
you get access to our learning management system. वहाँ पर आपके courses जो जो आपने purchase किए होते हैं उसके मुताबिक आपके courses आ जाते हैं, और वो जो कोर्स एक्सपीरियंस है इट इज़ एंटायरली डिफरेंट जो आपने पहले कभी देखा होगा. फॉर इंस्टेंस आज हम आपको इनफैक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड भी दे रहे हैं, थोड़ी देर में हम अनाउंस करेंगे. आप हमारे साथ रहिए इस वेबिनार में, और एंड ऑफ द वेबिनार हम आपको एक फ्री यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे जिससे आप हमारा एक लेक्चर एक्सपीरियंस कर पाएंगे विदाउट पेइंग एनी फी. ऑल राइट, सो अब उसमें ये होता है कि आप जब एक वीडियो देख रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ यूट्यूब वीडियो. पहली इम्पॉर्टेंट बात है, आपका हमने जो लेक्चर रिकॉर्ड किया होता है वो उसके साथ आपकी बहुत सारी इंटरेक्ट फॉर्म ऑफ इंटरेक्शंस हैं, जैसे कि आपके क्विजेज आ रहे होते हैं, आपकी ई रिसोर्सेज आ रहे होते हैं जो उससे रेलिवेंट हैं, फिर कुछ और वीडियोस जो उसे उसके मुताबिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है देखना. तो एक इसका हमने एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है जिससे जब स्टूडेंट एक या डेढ़ घंटे का लेक्चर लेकर उठेगा तो वो जानेगा कि उसने कुछ सीखा है, और उसके आउटकम्स उसके सामने होंगे, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा. इसके बाद हमने इसमें लाइव सेशंस भी रखे हैं, एवरी 10-15 डेज हम लाइव सेशन विद द टीचर्स भी रखेंगे जिसमें आपके जो क्वेरीज हैं वो अगर आप अपने पोर्टल पर नहीं पूछ पाए तो आप डायरेक्टली टीचर से इंटरेक्ट कर सकते. इसके अलावा इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर और बहुत इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल में ये है, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, एंड वी डिड कंसिडर दिस बिफोर लॉन्चिंग द कोर्स. तो हमने हमारे कोर्स को मोबाइल फ्रेंडली बनाया है, आपके मोबाइल पर इंटरफेस उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना कि लैपटॉप पर. सो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो ये आपको हैम्पर नहीं करेगा ई लर्निंग से, और आप उस तरफ जा सकते हैं. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बतानी थी. अब हम जो ऑफर कर रहे हैं, जो हमारी ऑफरिंग है CSS PMS मास्टर क्लास, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अकेडमीज जो वो ऑफर कर रही हैं. इट इज़ वेरी वेल वर्क्ड, और इस पर हमने बहुत मेहनत की है, एंड आई होप यू विल इन्जॉय दिस. नाउ गोइंग बैक टू हमाद, और हमाद आपको बताएंगे अबाउट वाई यू शुड चूज़ ऑफिसर्स अकेडमी. जी हमाद. थैंक यू वेरी मच सहर. खैर, ऑफिसर्स एकेडमी की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में थोड़ी देर के बाद मैं आऊँगा इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले मैं ऑफ कोर्स चंद बातें करना चाहता हूँ इन ऑर्डर टू मोटिवेट माई स्टूडेंट्स. और लाजिम बात है कि स्टूडेंट्स जो हैं जब वो बैचलर्स कर लेते हैं या मास्टर्स कर लेते हैं तो दे आर समटाइम्स परप्लेक्स्ड, और उनका ये व्यू होता है कि जी अब आगे हमें क्या करना है. लाजमी बात है कि एवरी वन नीड्स अ जॉब, अ गुड जॉब, और ऐसी जॉब जिसमें मिसाल के तौर पर कह सकते हैं कि सोशल रैंकिंग हाई हो. जॉब से कई तरह की होती हैं, ऑक्यूपेशंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लेकिन जिनकी रैंकिंग्स हाई होती हैं लाजमी बात हर कोई चाहेगा कि मैं वो ऑक्यूपेशन जो है ये जॉब हासिल करूं. इसका मतलब ये है कि CSS जो है वो इस वक्त जितनी भी ऑक्यूपेशंस हैं पाकिस्तान में उनके बारे में हम अगर रैंकिंग में देखें तो लाजमी बात है कि CSS जो है वो टॉप पे आती है, और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं. ऑफकोर्स इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया नहीं होता रिगार्डिंग CSS, और वैसे भी कई स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज रहते हैं कि हम CSS क्यों करें. यानी कि उनका ये होता है कि अगर हमने MBA कर लिया मिसाल के तौर पे, या और डिग्री उनके पास है, तो हम CSS क्यों करें, हम किसी प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन क्यों ना करें. तो पहली बात ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, और स्टूडेंट्स को मैं ज़रा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ. और जैसे मैं अपने वैसे सेमिनार्स में बात अक्सर कह चुका हूँ, और मैं दोबारा इस बात पर फोकस करना चाहता हूँ, इस पर एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि हर ऑक्यूपेशन जो है उसमें तीन सोशल रिवॉर्ड्स होते हैं. एक होता है अकॉर्डिंग टू अ फेमस जो सोशियोलॉजिस्ट है मैक्स वेबर, उसके मुताबिक तीन सोशल रिवॉर्ड्स हैं. एक है जी के उसमें आपके पास लास्ट सैलरी अच्छी है, उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. एक है कि आपके पास पावर एंड अथॉरिटी, और एक है कि आप इस जॉब में प्रेस्टीज भी हो. तो आज अगर हम ये चीज़ें देखें तो क्या एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करना या गवर्नमेंट की जॉब, इसको मैं CSS की बात करूँ, ऑफकोर्स PMS में आता है, सेकेंड नंबर पर आता है, तो क्या CSS करना जो है वो ज़्यादा बेहतर है या एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करना या प्राइवेट को बैंक को ज्वाइन करना या फिर और किसी जगह पर जॉब करना. इसका मतलब ये है कि जिनमें सोशल रिवॉर्ड ज़्यादा होंगे लाजमी बात है कि हर इंसान वही करना चाहेगा.
चिराग जी, ये कोई ऐसी अप्रोच नहीं है कि आई वुड रिकमेंड कि सीएसएस आप करें, मतलब इट माइट बी अ सब्जेक्टिव व्यू, इसलिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव बातें बता रहा हूँ, यानी कि ऐसी बातें जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। चिराचे क्या सैलरी बेहतर है सीएसएस की जॉब से? बिल्कुल बेहतर है, और इवन मैं समझता हूँ कि एक प्राइवेट जॉब जो आजकल मिलती है किसी को भी पाकिस्तान में, कंसिडरिंग के पाकिस्तान की इकॉनमी जो इज इन अ डिलैपिडेटेड सिचुएशन, उसमें आप देखें कि जो प्राइवेट जॉब की सैलरी है दैट इज फार लेस देन द वन जो कि आपको मिलती है इन अ गवर्नमेंट जॉब, जिसको हम सीएसएस की बात कर रहे हैं। लेकिन चलिए, सैलरी इज वन ऑफ द फैक्टर्स। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पावर, जिसके बारे में अक्सर लोग समझते हैं कि नेगेटिव टर्म है, लेकिन डज नॉट ओनली पोजेस ए नेगेटिव कॉनोटेशन, इज अ पॉजिटिव इज वेल। और उसके अंदर जो पॉजिटिव साइड इसकी है दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। तो आज अथॉरिटी किसमें ज्यादा है? लाजमी बात है कि दे आर न्यूमरस जॉब्स और अथॉरिटी जो है, इनके पावर का मतलब वैसे होता है द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस समवन। अगर वो नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल हो तो वो लाजमी बात नेगेटिव पावर है, लेकिन जो पॉजिटिव पावर होती है उसे कहते हैं अथॉरिटी। तो अथॉरिटी जो है वो लाजमी बात है कि ज्यादा किस में पाई जाती है, और वो सम हाउ पाकिस्तान, वैसे पाकिस्तान एक डेवलपिंग स्टेट है, पाकिस्तान में बाहर जॉब्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है गवर्नमेंट जॉब्स की, तो अथॉरिटी जो रिलेटिवली सबसे ज्यादा पाई जाती है गवर्नमेंट जॉब्स में, वो वाला सीएसएस में है। और दूसरी बात यह कि अथॉरिटी जो है वो आपको जो मिलती है वो इसका मतलब है सोशली गिवन है, सोशली प्रोवाइडेड है, एक लीगल अथॉरिटी है। और इसका इसका फायदा जो ये है कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं जैसे आपको जानते हैं कि हर स्टेट के तीन पिलर्स होते हैं, जैसे जैसे लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, सीएसएस ऑफिसर्स जो हैं ये एग्जेक्टिव का हिस्सा है, और एग्जेक्टिव जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एक पिलर ऑफ द स्टेट। लाजमी बात है कि लॉज को इंप्लीमेंट करवाने के लिए, रूल्स को इंप्लीमेंट करवाने के लिए, जो कोर्ट्स के फैसले होते हैं उनको इंप्लीमेंट करवाने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, और बाकी मुख्तलिफ सर्विसेज जो प्रोवाइड करने के लिए, इसके लिए ब्यूरोक्रेसी का बड़ा एक इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल है। इसका मतलब किसी भी स्टेट की, किसी भी मुल्क की जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उसकी जो मैं समझता हूं अपलिफ्ट है, उसकी रिकंस्ट्रक्शन है, उसके लिए ब्यूरोक्रेसी प्लेज अ वेरी पिविटल रोल। और इसका मतलब ये है कि हम ब्यूरोक्रेसी की इंपॉर्टेंस को लाजमी बात है कि इग्नोर नहीं कर सकते। इस चौथी आप देखें कि अथॉरिटी जो है वो एक प्राइवेट जॉब में भी आपके पास होती है, अगर आप बैंक में मैनेजर हैं आपकी अथॉरिटी है, लेकिन दैट इज लिमिटेड। लेकिन ये जो अथॉरिटी मिलती है आपको सीएसएस करने के बाद, इट इज ऑफ अ डाइवर्स नेचर। जैसे मैंने अभी कहा कि पुलिस में जाके आप क्राइम रोक सकते हैं, आप डीएमजी या जिसका नया नाम है पीएएस, उसमें जाके आप एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं, रेवेन्यू जनरेशन कर सकते हैं कस्टम्स में जाकर, या आईआरएस इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज, या फॉरेन सर्विसेज में जाके आप पाकिस्तान का इमेज और बेहतर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अथॉरिटी आपको सोसाइटी देगी, तो तभी जाके स्टेट आपको देगी, तभी जाके आप इस अथॉरिटी का एक पॉजिटिव जो इसका रोल है उसका प्ले कर सकते हैं। चाचे आप देखेंगे एक तो अथॉरिटी है, चाचे थर्ड जो है वो है प्रेस्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं समझता हूँ लाइफ में भी लाजमी बात है कि एक जो एस्पेक्ट है रिवॉर्ड है आपके लिए किसी भी फील्ड में, किसी भी ऑक्यूपेशन में, किसी भी जॉब में, वो है प्रेस्टीज, यानी कि सोशल रिस्पेक्ट, सोशल एडमायरेशन, सोशल रिकॉग्निशन। चलाज आप देखें कि ये तीनों जो सोशल रिवॉर्ड्स हैं ये रिलेटिवली किस में ज्यादा है, ये हैं सीएसएस में। चलाज इसीलिए जो है मेरा एक जो फोकस है, जो एम्फोसिस रहा है वो सीएसएस की एजुकेशन के ऊपर इसीलिए रहा है। चलाज हम एक रेवोल्यूशनरी जो चेंज ला सकते हैं अपने मुल्क के अंदर, रेवोल्यूशनरी चेंज ला सकते हैं। चलाज ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा आप देख रहे हैं कि ये तीनों चीज़ें जो हैं सोशल रिवॉर्ड इसमें ज़्यादा, इसलिए एक पॉइंट याद। दूसरी बात ये है कि कई लोग फिर भी जो हैं दे रिमेन पजल के जनाब, ये कन्फ्यूज इनके बैफल्ड रादर कि भाई ये जो सी एस एस है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये टफ एग्जाम है, ये पता नहीं आसमान से उतर के आया। ऐसा नहीं, हरगिज नहीं है। देखिए आम एग्जाम्स की तरह ये भी एक एग्जाम है, सिर्फ फर्क ये है कि हम जब बाकी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी क्वालिटी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन सम हाउ मैं कहता रहा था अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें कुछ इस तरह का सिस्टम है, जैसे बैचलर्स का है या इवन मास्टर्स का या बाकी एग्जामिनेशन का है, कि जहां पर क्रैमिंग जो है दैट मैटर्स अ लॉट। वहां पर आप बस समझ आई है या नहीं है, कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता, आप जाकर लिखा और आप डिग्री हासिल कर सकते हैं। सिर्फ इसका हालांकि वहां भी क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत थी, लेकिन सीएसएस के अंदर आप इसलिए लोग अक्सर इसको मुश्किल समझते हैं क्योंकि यहां पर वाकई क्वालिटी चाहिए, यहां पर वाकई कॉन्सेप्ट चाहिए, वाकई ही क्लैरिफिकेशन चाहिए ऑफ
कॉन्सेप्ट, फिर आप जाके उसको जो है सही परफॉर्म कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के अंदर, तभी जाके आप टॉप 100 में या टॉप 150 में आ सकते हैं, और फिर जाके आप जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई करके एक प्रेस्टिजियस सर्विस हासिल, प्रेस्टिजियस जो जॉब हासिल कर सकते हैं। मेरा मकसद कहने का ये है कि ये जो CSS है ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है, ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। इट माइट बी हर्कुलियन टास्क, इनके एक मुश्किल टास्क हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। हर लाइफ में किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए, गोल को हासिल करने के लिए, ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए यू नीड टू गिव समथिंग, यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ती है। चाहे आप देखें कि रिवॉर्ड तभी मिलता है, चाहे कहते हैं नो पेन्स नो गेन्स, इसका मतलब ये हुआ कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब जो रिलक्टेंट हैं टू स्टडी हार्ड, जो रिलक्टेंट हैं टू वर्क हार्ड, जो समझते हैं हमसे मेहनत नहीं हो सकती है, तो वो तो फिर जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, आपके अंदर कॉन्सेप्ट होने चाहिए। चुनाचे वही बातें हैं कि ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। चुनाचे दूसरी बात ये है कि देखिए, बात ये है कि एक चीज़ है जिंदगी में आपने क्या बनना है क्या नहीं बनना, ये तो अल्लाह के हाथ में, आपको मेहनत करनी चाहिए। चुनाचे इस चुनाचे बेसिक चीज़ ये है कि इस CS एग्जामिनेशन से अगर आप कुछ कर जाएं जिंदगी में, CS ऑफिसर बन जाते हैं, इनकेस कई लोग ऐसे भी हैं जो CS करके करने के बाद छोड़ भी देते हैं। तो मकसद ये है कि असल चीज़ है कि आपका नॉलेज, और दूसरी बात यह है कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि इंसान जो है जब वो पैदा होता है तो ही और शी इज अ बायोलॉजिकल बीइंग, लेकिन उसको प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बनने के लिए उसे सोशल बीइंग बनने की जरूरत होती है। जैसे कहते हैं नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, यानी कि क्या जेनेटिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनैलिटी में, या आपकी आपके एक्सपीरियंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी आपकी जो सोशल जो है लाइफ सोशलाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मकसद कहने का ये कि दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दोनों का एक एक इंपॉर्टेंट रोल है, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर टू बिल्ड अप योर पर्सनैलिटी। चुनाचे आप देखें कि इसका मतलब ये हुआ कि अच्छे इंस्टीट्यूशंस जो हैं मिसाल के तौर पे, दे प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। चुनाचे इसलिए नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। एक इंसान अक्सर समझते हैं कि जी ज्यादा कौन बेहतर होगा, उसका वही होगा जो कॉन्फिडेंटली कुछ बातें कर सके, कुछ नॉलेज जो है इम्पार्ट कर सके, गेन भी कर सके, इम्पार्ट भी कर सके। चुनाचे ये सारा कुछ कौन सा है, ये बेसिकली नॉलेज से हासिल होता है। अब CSS की स्टडी ऐसी है somehow, और मैं समझता बड़ी वेल प्लान स्टडी है कि इसके अंदर डाइवर्स नॉलेज है, डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज है, यानी कि आप देखें कि कंपल्सरी सब्जेक्ट से लेकर ऑप्शनल सब्जेक्ट से कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। करंट अफेयर्स पता चलते हैं, साइंस बेसिक का पता चलता है, पाकिस्तान हिस्ट्री का पता चलता है, इंग्लिश बेहतर होती है, आपको समराइज्ड वर्जन लिखना आता है किसी भी टॉपिक का, प्रेसी राइटिंग मिसाल के तौर पे। इसके अलावा आप जो है कई चीज़ें ग्रामर की बेहतर कर लेते हैं, आप ईडियम्स लर्न करते हैं, पेयर वर्ड्स जो हैं उनकी आप कमांड हासिल हो जाती है। उसके अलावा इस्लामिक नॉलेज आपका बढ़ जाता है, आपको अगर आपके IR है मिसाल के तौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आपको पता चलता है कि दुनिया के मुल्कों के रिलेशंस क्या, आपस में इंटरनेशनल लॉ क्या, कैसे रिलेशंस अमंग नेशंस गवर्न करता है। और उसके अलावा जो है सोसाइटी जो है आपको क्या सिखाती है सोशियोलॉजी में, और इसी तरह से हिस्ट्रीज क्या कहती हैं, जिसमें एक नॉलेज भरा पड़ा हिस्ट्रीज के अंदर, चाहे वो यूरोपियन हिस्ट्री हो, चाहे वो ब्रिटिश हिस्ट्री हो, चाहे वो अमेरिकन हिस्ट्री हो। अब पर्सनली चूंकि मैं बेसिकली मैंने CSS क्वालिफाई किया, मेरी अपनी 20th पोजीशन थी CSS के अंदर, और फिर मैंने बैचलर्स में प्राइवेट जब मैंने किया उससे पहले कोर्स, तो वो मैंने वैसे बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और लेकिन मैंने प्राइवेट बैचलर्स किया, उसमें मैंने टॉप किया, और फिर मैंने लॉ भी किया, और CSS में फिर 20th पोजीशन हासिल की। तो मकसद क्या है, मकसद ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये आपको नॉलेज बढ़ाती हैं, आप नॉलेज गेन करते हैं। चुनाचे नॉलेज गेन करना जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर, और हमें इसको गेन करना चाहिए। चुनाचे सारी इसका मतलब है कि CSS की जो स्टडीज़ हैं ये कोई ज़ाया नहीं होती, वन वे और द अदर। ये अब देखें नॉलेज वैसे भी कल्चर का हिस्सा होता है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो जनरेशन है उनको उनके भी काम आता है इन जनरल। और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट है वो पहले ही इतना ज़्यादा नहीं है, दो जो है बेसिकली हम क्लेम तो यही करते हैं कि इट इज़ क्वाइट हाई, लेकिन मेन चीज़ ये है कि वाकई जो पढ़े लिखे लोग जौन से हैं वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा नहीं है, और वो बल्कि मैं समझता हूँ गिनती के ही हैं। चुनाचे ये चीज़ें हैं, इससे पहले कि मैं थोड़ा आगे चलना चाहूँ, जो लोग कमेंट्स में हमसे कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं रेलिवेंट टू CSS, हम उनको ज़रूर एंटरटेन करेंगे आफ्टर हमाद फिनिशेस। उसके बाद हम आपके सारे क्वेश्चंस जो भी
सही हमारे CSS या PMS से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको जरूर हम करेंगे एंटरटेन इंशाल्लाह। लेकिन चंद बातें ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखें कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी मोटिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में कोई काम नहीं हो सकता जब तक आप मोटिवेटेड ना हो, और मोटिवेशन जो है वो पैशन बन जाता है। इसका मतलब देखिए, पेरेंट्स आपको कहते हैं CSS करने को या PMS करने को, तो और अगर आप मोटिवेटेड नहीं है, आप में पैशन नहीं है, तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर आप पैशनेट हैं, आप मोटिवेटेड हैं, आप जिंदगी में मकसद हासिल करना चाहते हैं, तो फिर लाजमी बात पेरेंट्स की लाजमी सपोर्ट आपको मिलनी चाहिए, और अल्लाह ताला के फजल व करम से आप फिर जो है जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चलिए, ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, इस पर मैं आगे मजीद चलना चाहूँगा। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CSS के सब्जेक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। CSS के अंदर जैसे आपको आइडिया तो हो गई कि इसके अंदर टोटल मार्क्स जो रिटर्न के हैं वो 1200 है, और इंटरव्यू के 300 मार्क्स होते हैं, टोटल 1500 मार्क्स हैं। और इसमें क्वालिफाई करने के लिए रिटर्न में आपको 1200 में से 600 चाहिए, यानी कि 50%, तभी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। 300 इंटरव्यू को होते हैं, इसमें 100 पास मार्क्स होते हैं। और जो है ये जो 1200 में से 600 कंपलसरी के हैं, इनमें एक इंग्लिश है, एक इंग्लिश एसे है, एक करंट अफेयर्स है, एक पाकिस्तान स्टडीज़ है, एक जनरल साइंस है, और एक इस्लामिक स्टडीज़ है। इसी तरह ऑप्शन सब्जेक्ट्स में, लेकिन मैं उससे पहले कंपलसरी के बारे में चंद बातें बताना चाहता हूँ। लाजमी बात है कि हमारा जो ड्रॉबैक एजुकेशन सिस्टम का पाकिस्तान के अंदर, वो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका सही तरह स्टूडेंट्स को ना आना। और लाजमी बात है कि हमारे जो कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस हैं या बाकी भी कोर एग्जामिनेशंस हैं, इनमें इंग्लिश का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इंग्लिश जो है लैंग्वेज, उस पर बाहर टू सर्टन एक्सटेंट जो है कमांड हासिल करना, इट इज़ रादर indispensable और इट इज़ imperative। इसका मतलब ये है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज है उसको सीखना लाजमी बात है, चाहिए प्रॉपर तरीके से। लेकिन हमारी चूँकि बैकग्राउंड इंग्लिश जो होती है कई लोगों की अच्छी नहीं होती। अब मैं जो है चूँकि इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग से मेरा ताल्लुक है, इसलिए मैंने भी CSS की प्रेपरेशन स्टार्ट की थी, तो ग्रामर तो हमारी ठीक होती है चूँकि इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग होती है, लेकिन वोकैबुलरी को फिर भी आपको बढ़ाना पड़ता है। और सम हाउ इस तरह बढ़ाना पड़ता है कि CSS के अंदर जो पहला क्वेश्चन आता है वो होता है वोकैबुलरी का, यानी 20 मार्क्स का। और वोकैबुलरी जो है, इसलिए इट्स जैसे मैंने कहा कि जैसे इंग्लिश पर कमांड हासिल करना इज इंडिस्पेंसिबल, तो वोकैबुलरी को बढ़ाना भी इंडिस्पेंसिबल है, बहुत जरूरी है। चाहते वोकैबुलरी जो है वो आपको पहले 20 मार्क्स वोकैबुलरी का है, फिर आपको प्रेसी राइटिंग के अंदर, समरी राइटिंग के अंदर जो आपको वोकैबुलरी काम आएगी, वरना कैसे लिखेंगे समरी। फिर इस तरह कॉम्प्रीहेंशन करने के लिए किसी पैसेज को कॉम्प्रीहेंड करना पड़ता है, फिर उसके क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं, तो कॉम्प्रीहेंड करने के लिए भी आपको वोकैबुलरी आनी चाहिए। इसी तरह से जो आपकी है ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, उसके लिए भी वोकैबुलरी आनी चाहिए। फिर इसके अलावा पेयर ऑफ वर्ड्स होती है, वोकैबुलरी है। तो इसका मतलब वोकैबुलरी जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है CSS के अंदर। और उसके लिए आपको न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी पहले तो आनी चाहिए, और उसके अलावा फिर आपको और भी कई चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, जैसे ऑफिसर अकेडमी प्रोवाइड करती है मुख्तलिफ लिस्ट प्रोवाइड करती है वोकैबुलरी, या मार्केट से मिल जाती है वर्ड स्मार्ट के नाम से। तो उसमें इसका मतलब आपको एक काम तो जो करना है वो है वोकैबुलरी आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा अरीबा, आपका क्वेश्चन आंसर हमाद कर चुके हैं। आप पूछ रही हैं कि एग्जाम्स में पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, तो हमाद ने अभी उसको रिस्पॉन्ड किया है। जिस तरह आपके क्वेश्चन आ रहे हैं हम नोट डाउन कर रहे हैं, एंड हमाद अभी आपको कॉम्बिनेशंस भी बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसमें जाहिद खान है जी, मायरा खान, शाहिद इकबाल, सोनिया, आप सबके अभी हम एंटरटेन करेंगे वंस ही फिनिश जी। तो आप ये पहले मैं इंग्लिश की बात कर रहा था, सिमिलरली मैं बात करना चाहता हूँ करंट अफेयर्स की और इंग्लिश एसे की। करंट अफेयर्स मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ट्रिकी सब्जेक्ट हो सकता है, और अगर आपको समझ आ जाए तो उतना इंटरेस्टिंग भी है। आप इंग्लिश एसे जो है उसमें बेसिकली जो टॉपिक्स आते हैं उनमें कई टॉपिक्स करंट अफेयर्स के भी होते हैं। इसका मतलब है कि इंग्लिश एसे को अगर आपने अच्छे तरीके से लिखना है तो आपको कमांड होनी चाहिए ऑन करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स जो है इसमें मुख्तलिफ तरह के तीन चीज़ें, मैं आपको अगर थोड़ा सा और कंडेंस करूँ तो तीन चीज़ें हैं। एक उसमें है जी जो कि मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, यानी कि मुल्कों के रिलेशन हैं आपस में, जैसे पाकिस्तान अमेरिका फॉर इंस्टेंस। इसी तरह नंबर टू आ जाता है उसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस। और थर्ड इसमें फिर आ जाता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। इसका मतलब आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया कि ये इन जनरल जो है इसके समरी करूँगा करंट अफेयर्स की, तो मेन चीज़ इसके अंदर क्या आती है, बाकी तो खैर पूरा सिलेबस है जो कि दिया हुआ है। सो लेकिन करंट अफेयर्स जो है इसमें
दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इसमें ये है कि फैक्ट्स क्या हैं, यानी कि आजकल हो क्या रहा है, और दूसरी बात इसका है कि फैक्ट्स जो हैं दे आर नॉट सफिशिएंट जब तक कि आप उसको एनालाइज नहीं करेंगे, यानी कि मिसाल के तौर पे इन फैक्ट्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा, इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा, और अगर इसका नेगेटिव इंपैक्ट है तो उसको रीड्रेस कैसे करना है। और इसके अलावा एक जो है फॉर्मेट है लिखने का आंसर करंट अफेयर्स का, और इसी तरह से एक ऐसे लिखने का फॉर्मेट भी है। बहरहाल मैं आपको थोड़ा आइडिया देना चाहता हूँ। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि करंट अफेयर्स के ऊपर आपको इंटरनेट से या न्यूज़पेपर से कई बातें मिल जाती हैं, आप उनको पढ़ भी लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स इसमें जो है सिर्फ ये नहीं होता कि हिस्ट्री का जैसे टॉपिक है कि आप एक नोट लिखें लाइक ऑन थॉमस जेफरसन के ऊपर। इस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें लिंक्स निकालने पड़ते हैं, या अगर आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस की, इसका मतलब उसी टॉपिक के अंदर आप अफगानिस्तान को भी डिस्कस करेंगे, उसी टॉपिक में आप चाइना को भी डिस्कस करेंगे, उसी टॉपिक में आप इंडिया को भी डिस्कस करेंगे, इसका मतलब ये है। उसके अलावा न्यूक्लियर इश्यूज का भी कुछ डिस्कस करें, इसका मतलब इसके अंदर देखना ये होता है कि उसी टॉपिक के किसी और टॉपिक के साथ लिंक्स क्या हैं, उनके डिफरेंट डायमेंशंस क्या हैं, डिफरेंट रिपरकशंस क्या हैं, और डिफरेंट रेमिफिकेशंस क्या हैं। तो मकसद कहने का ये है कि ये सारी बातें जो है करंट अफेयर में सीखनी पड़ती हैं। बहरहाल मैंने अपने स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए ये जरूर किया है, अपार्ट फ्रॉम डिलीवरिंग लेक्चर्स, ये जरूर किया है कि मेरी एक जो इसमें एक बुक है ऑन करंट अफेयर्स, और ये मैं जो करंट अफेयर्स की बुक है इसको मैं अपडेट करता हूँ बेसिकली हर साल, और जो एग्जामिनेशन से पहले ये जो बुक है ये मेरी आती है, और इसमें बहुत ही यूज़फुल मटेरियल होता है। ये ऐसी बुक है जिसमें बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर होते ही हैं लेकिन इनको अपडेट किया जाता है। दैट यू कैन आल्सो फाइंड ऑन द वेबसाइट, हमारे वेबसाइट पे स्टोर पे हम आपकी बुक्स अवेलेबल हैं जो कि आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं जी। दूसरी बात ये है कि देखिए ये जो हमारी बुक्स हैं, और इसमें अभी कुछ और बुक्स का भी इसमें जिक्र करना चाहूँगा, मैंने कुछ बुक्स लिखी हैं पर्सनली, और उनमें से जो है एक तो खैर ये करंट अफेयर्स के नोट्स हैं जो कि अपडेट होते रहते हैं, और इसी तरह से एक मेरी बुक है जो कि अमेरिकन हिस्ट्री के ऊपर है, और ये एक लिखी गई है। सिमिलरली मेरी जो बुक्स हैं वो सोशियोलॉजी के ऊपर हैं, ये पार्ट वन और एक पार्ट टू है, एक में जनरल सोशियोलॉजी है, एक में सोशियोलॉजिस्ट हैं, और एक बहुत ही फेमस बुक जो है जेंडर स्टडीज़ के ऊपर भी इसमें लिखी गई है। और ये जो बुक्स हैं इनके बारे में चंद बातें बतानी ज़रूरी हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के समझना। बात ये है कि पहली बात तो ये है कि चाहे फॉरेन ऑथर्स की बुक्स भी हों, हर बुक जो है वो एक जैसी नहीं होती, और लाजमी बात है उसमें हर बुक में सब कुछ नहीं दिया होता, और हर बुक की क्वालिटी भी एक जैसी नहीं होती। और कई दफ़ा स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको लाइक अगर बुक समझनी पड़ जाए, एक बुक पढ़ समझ रहे हैं, तो हर ऑथर का अपना एक वे ऑफ राइटिंग होता है, स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है, और कई उसी बात को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से डिस्कस कर रहे होते हैं, कुछ ऑथर्स जो होते हैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से कर रहे होते हैं, इसलिए समझाने के तरीके डिफरेंट होते हैं। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स लाजमी बात है जब तैयारी करना चाहते हैं तो अभी उनका लेवल ऑफ नॉलेज चूंकि इतना हाई नहीं होता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो वर्जन है ऑफ बुक्स का, चाहे अमेरिकन हिस्ट्री है, चाहे वो जेंडर स्टडीज है, वो समझ नहीं सकते। ये कुछ स्टूडेंट्स जो है नाम पूछ रहे हैं बुक का, साइमा अजहर एंड जुनेद इस्माइल, दे आर आस्किंग अबाउट द नेम ऑफ द बुक। देखिए ये बुक्स जो हैं ये मेरी लिखी हुई हैं, जो कि एक है अमेरिकन हिस्ट्री के ऊपर, और एक है जेंडर स्टडीज के ऊपर, एक है सोशियोलॉजी के ऊपर, और एक मेरे करंट अफेयर्स के नोट्स होते हैं। तो अभी तक जो मैंने लिखी है मतलब स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए वो ये लिखी, लेकिन मैं यहाँ क्लैरिफाई ये करना चाह रहा हूँ कि इन बुक्स की क्वालिटी में और बाकी जी वो आप बताएंगे बात, लेकिन ये जो क्वालिटी ऑफ बुक्स के बारे में मैं चंद बातें करना चाहूँगा। देखिए जो फार फ्लंग एरियाज के लोग हैं खास तौर पे, और रिमोट एरियाज के लोग हैं, या इंटीरियर जैसे सिंध है या पंजाब साउथ पंजाब है, ये वहाँ भी स्टूडेंट्स होते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो हैं दे रिमेन ओब्लिवियस ऑफ द, जैसे कह सकते हैं ऑफ द फैक्ट कि जी कहाँ पे को अच्छी क्वालिटी की बुक मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको कैद समझते हैं कि कराची में या लाहौर में, मिसाल के तौर लाहौर में उर्दू बाजार है तो वहाँ जाएंगे, वहाँ डिफरेंट पब्लिशर्स के मिलते हैं जो कि लोकल ऑथर्स की छपी होती हैं, वो समझते हैं ऊपर लिखा होता है CSS जो है आपको तैयार करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो लेके आ जाते हैं। अब मसला ये है कि ये जितनी बुक्स मिलती हैं उर्दू बाजार की मिसाल के तौर पर, ये लोकल ऑथर्स की जो आजकल
सो कॉल्ड लिखी होती हैं, ये बेसिकली इंटरनेट से कॉपी पेस्ट हुई हुई है। और दूसरी बात ये है कि इंटरनेट के ऊपर क्वालिटी मटेरियल सारा नहीं दिया होता, यानी कि खासतौर पर उनके जो मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट्स उस पर नहीं दिया होता। दूसरी बात ये है कि ये जो अकेडमी, इस समय बाकी अकेडमीज का भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, अकेडमीज डिफरेंट हैं अपार्ट फ्रॉम ऑफिसर्स अकेडमी। ये जो बुक्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कहती हैं कि जाके आप खरीदें, वो अपनी, इनके कुछ अपनी भी पब्लिश्ड हैं उर्दू बाजार की, तो ये उनको कहते हैं, ये रिकमेंड कर देते हैं ये पढ़ें, जो कि सिंपली कॉपी पेस्ट हुई हैं और वहाँ पर कोई रिसर्च ओरिएंटेड काम नहीं होता। लेकिन ऑफिसर्स अकेडमी में, जैसे मैंने ये आपको बताया कि अभी किताबें लिखी गई हैं, ये इंटरनेट से छपी हुई नहीं है, ये वहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, ये मुख्तलिफ फॉरेन ऑथर्स की किताबें पढ़ने के बाद, उनको उनके कॉन्सेप्ट समझने के बाद, उनको स्टडी करने के बाद, फिर ये किताबें जो हैं लिखी गई हैं। इनमें रेफरेंसेज ऑफ कोर्स हैं उन फॉरेन ऑथर्स के, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये इंटरनेट से छपी नहीं हुई हैं, ये इंटरनेट से कॉपी पेस्ट नहीं हुई हैं। मिसाल के तौर पर अब जितनी हमारे पास लाइक बुक्स हैं पाकिस्तान में, किसी अकेडमी के पास उतनी बुक्स सी एस एस की नहीं होगी। मैं आपको आइडिया देना सिर्फ चाहता हूँ, इसके अलावा बहुत सी बुक्स हैं, लेकिन आइडिया देने के लिए मिसाल के तौर पर ये फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं जो कि पढ़नी पड़ती हैं, और पढ़ने के बाद फिर उनका क्रक्स निकालने के बाद, उनके उनके कॉन्सेप्ट निकालने के बाद, उनको फिर जो है उनसे किताबें जो है लिखी गई हैं मिसाल के तौर पे। अब मिसाल के तौर पे एक किताब जैसे फॉरेन ऑथर की है इंट्रोड्यूसिंग ग्लोबल इश्यूज, इसी तरह से एक है ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशंस, इसी तरह से है एथिक्स एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इनकी ये है। इस इंटरनेशनल लॉ की आपको एक काम की किताब नहीं मिलेगी मार्केट के अंदर, उर्दू बाजार के अंदर। और जैसे ये है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये सारी फॉरेन ऑथर्स की हैं। ये है एक और इंटरनेशनल लॉ स्टीवन वीटले की, इसी तरह से ये है इंटरनेशनल लॉ एंटोनियो की, इसी तरह से अमेरिकन हिस्ट्री की, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने लिखी है, तो जैसे ये कई फॉरेन ऑथर्स की पढ़ने के बाद यूएस हिस्ट्री डीमिस्टिफाइड, और इसी तरह से हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और ये वाली किताब एक आ गई। इसी तरह से एक और है द अमेरिकन्स के नाम से, अमेरिकन्स। तो ये आपको सिर्फ मैंने अभी सैंपल दिखाया है कि ये बेसिकली चंद वो बुक्स हैं जो कि फॉरेन ऑथर्स की हैं, और इन इन बुक्स को स्टडी करने के बाद, इनको पढ़ने के बाद, फिर यहाँ पर ये बुक्स कौन सी लिखी गई। मिसाल के तौर पे अगर हमने कोई किताब अमेरिकन हिस्ट्री की लिखी है, तो इनको पढ़ने के बाद लिखी गई। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट्स हैं जिन पर अभी किताबें नहीं भी लिखी होंगी, लेकिन उन बुक्स पर फिर हम इस किस्म की जो बुक्स हैं फॉरेन ऑथर्स की, वो प्रोवाइड करते हैं। लाजिम बात है, आप अगर मैंने 20 किताबें पढ़ी हैं आयर के ऊपर या इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, तो मैं सारी 20 आपको नहीं कहूँगा पढ़ने को, लेकिन उनमें से जो अच्छा मटीरियल होगा वो आपको रिकमेंड किया जाएगा। मिस्बा रहमान पूछ रही हैं कि कितनी बुक्स एक सब्जेक्ट के लिए पढ़े हैं आप? देखें ये मैं इसको बताता चलूँ वहाँ से कि एक क्वेश्चन है कि कितनी बुक्स हम पढ़ें एक सब्जेक्ट के लिए। अगर तो एक बुक है जो कि मेरी लिखी हुई है मिसाल के तौर पे, तो उसके अलावा फिर आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी मैंने बताया, जैसे ये बता रहा हूँ आपको, 15-20 बुक्स से ज़्यादा फॉरेन ऑथर्स की पढ़ने के बाद, उनमें देखिए हर ऑथर ने कोई काम की चीज़ लिखी है, उसने कोई काम की चीज़ कोई काम की चीज़ लिखी है, उन सब का जो क्रक्स है वो यहाँ पर है। लाजमी बात है कि इसको फिर आगे जो है स्टूडेंट पढ़ेगा तो उसको मज़ीद इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन ये सारा उसके अंदर मटीरियल दिया होता है। तो लेकिन जो मैंने नहीं लिखी मिसाल के तौर पर, तो उसमें तो लाजमी बात है फिर हम आपको रिकमेंड करेंगे कि ये बुक्स आपको जो है पढ़नी चाहिए, या हम आपको वो मटेरियल देंगे पढ़ने के लिए। और उसके लिए जरूरी पहले होगा कि आप पहले लेक्चर्स लेंगे और लेक्चर्स में समझेंगे, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन फॉर एग्जांपल, उसको समझेंगे, फिर मटेरियल आपको दिया जाएगा और फिर आप उसको पढ़ेंगे। जी फराज अहमद माहर ये पूछ रहे हैं कि आई कैन नॉट डिसाइड वेदर टू चूज यूएस हिस्ट्री और पाकिस्तान। जी मैं अभी आपको ऑप्शन सब्जेक्ट का जो है वो अभी कुछ मिनट्स के बाद आपको मैं कॉम्बिनेशन बताना चाहूँगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली ये चीज़ें हैं। देखें ये इस किस्म की जो क्वालिटी की बुक है, ये किसी और ने क्यों नहीं लिखी, पाकिस्तान में किसी ने नहीं लिखी, और अगर वो लिखी हुई है तो इंटरनेट से छपी हुई है। और अगर इस किस्म के क्वालिटी बुक्स नहीं लिखी, तो देखिए इसको लिखने के लिए आपको पहले 15-20 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, फिर उसके बाद समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। इतनी मेहनत पाकिस्तान में कोई नहीं करता, इसलिए आज तक इस किस्म की बुक्स पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने क्लियर की, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बुक्स जो हैं उनकी किस तरह क्वालिटी वाइज, या बुक्स हैं या कोई मटेरियल है, वो किस तरह रिसर्च ओरिएंटेड है, क्वालिटी मटेरियल है। चलिए इसके अलावा थोड़ी देर फिर बाद में आता हूँ। और क्वेश्चन है यहाँ पर, एक और क्वेश्चन है, ये है जी मिश ज़िल नोमी,
And this person is asking, if let's say we don't have your books and if we are buying from other resources, तब हमें कितनी books पढ़नी चाहिए? देखिए वो मैं अगर आप ये नहीं पढ़ रहे हैं और किसी और रिसोर्स से पढ़ रहे हैं, देखो उसका मैं तो फिर आपको आंसर यहाँ नहीं दे सकता, इसलिए नहीं दे सकता कि आई हैव नो आइडिया कि आप कौन सा रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह की क्वालिटी का कर रहे हैं, और उसमें वाकई ही CSS की जो हमारी हमारे जो सिलेबस है उसके मुताबिक वो पूरा हो भी रहा है कि नहीं, तो उसके बारे में ऑफकोर्स मैं बता नहीं सकता। जी फातिमा, आप ये बुक बुक्स ऑनलाइन, हमारा जो वेबसाइट है csofficesonline.com, आप उस पर हमारे स्टोर पर जाइए एंड यू हैव द बुक्स जो हम आपकी लिखी हुई एंड यू कैन ऑर्डर फ्रॉम देयर। और ये बुक्स अगर आप लाहौर में हैं तो हम होम डिलीवर कर देते हैं एंड इफ़ यू आर एनीवेयर इन पाकिस्तान तो वो हम कुरियर करवा सकते हैं। और दूसरी बात मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता चलूँ कि देखिए हमने इसमें बहुत मेहनत से किताबें लिखी हैं और ये जो बुक्स हैं ये कलर्ड बुक्स हैं, मतलब ये कोई हमारी वो ब्लैक एंड वाइट या आम बुक्स नहीं है, हमने बड़ी मेहनत से इसके प्रॉपर इसको इसका जो है फॉर्मेट, इसका फॉन्ट, इसका कलर स्कीम और सारा कुछ जो है हेडिंग्स के साथ पिक्चर्स भी हैं जहाँ जरूरत है हिस्ट्री में लाइक हैं, इसका मतलब बहुत ही मेहनत से चीज़ें ये तैयार की गई। मैं अपने स्टूडेंट्स को आप चंद कॉम्बिनेशन बताना चाहता हूँ और देखें सबसे पहले बल्कि मैं पहले आपको कंपल्सरी के बारे में कुछ बातें बता रहा था, चुनाची वही मैं बातें कर रहा था कि इंग्लिश तो आपको मैंने बताया कैसे बेहतर करनी है, करंट अफेयर्स को कैसे बेहतर करना है और पाकिस्तान अफेयर्स के लिए और जो इस्लामिक स्टडीज़ के लिए उसके लिए तो खैर कुछ मटेरियल होगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा और साइंस के लिए भी, लेकिन ज़्यादा जो ट्रिकी चीज़ें हैं जैसे मैंने पहले कहा वो है करंट अफेयर्स, इंग्लिश एसे और ऑफकोर्स इंग्लिश है और साइंस के ऑफकोर्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको क्लियर करने पड़ते हैं फिर ही जाकर आपको समझ आती है। अब मैं ऑप्शन सब्जेक्ट्स से रवाना चाहता हूँ, यहाँ तक ऑप्शन सब्जेक्ट्स हैं उसमें 600 marks के ऑप्शन सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें मैं रिकमेंड करूंगा आपको वो जो हैं कॉम्बिनेशंस वो ये वाले हैं। एक कॉम्बिनेशन उसमें पहला जो ग्रुप है उसमें 200 का एक सब्जेक्ट है, चूंकि उसमें एक रखना पड़ेगा आपको 200 वाला वरना आपके 600 पूरे नहीं होंगे, और ये उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनका साइंस नहीं है लाइक फिजिक्स वगैरह नहीं है। तो एक आप रखें इंटरनेशनल रिलेशंस, 200 मार्क्स का ये है। देखें जब आप करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं और अगर आप हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स लेंगे इंशाल्लाह तो उसमें बहुत बेहतर तरीके से डिलीवर किए गए हैं लेक्चर्स करंट अफेयर्स के जो मैंने डिलीवर किए हैं, और उसमें लाइक ग्लोबलाइजेशन के बारे में है, न्यूक्लियर प्रोलीफरेशन के बारे में है, ह्यूमन राइट्स के बारे में है, पाकिस्तान के रिलेशंस हैं डिफरेंट स्टेट्स के साथ, अमेरिका चाइना रिलेशंस के बारे में, यूनाइटेड नेशंस के बारे में, कई टॉपिक्स हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में कई टॉपिक। अब ये जो टॉपिक्स हैं जब आप कर लेते हैं तो आपका 60% IR कवर हो जाता है, यानी IR ही कवर हो जाता है। देखिए बात यह है कि IR में लाजमी बात है आपको ग्रिप हासिल करनी पड़ती है ऑन एनालिसिस, एक होते हैं फैक्ट्स एक होते हैं एनालिसिस, आपको एनालाइज करना पड़ता है। अगर आप सपोज करें स्टूडेंट कहते हैं IR में तो मुझे मेरे लिए एनालिसिस करना मुश्किल, तो भाई बात यह है कि फिर आप इंग्लिश ऐसे कैसे करेंगे, फिर आप करंट अफेयर्स कैसे करेंगे, करंट अफेयर्स के लिए भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको वही सेंस डेवलप करनी पड़ेगी, वही आपको एक्यूमेंट हासिल करना पड़ेगा, वही आपको नॉलेज हासिल करनी पड़ेगी जो कि बेसिकली करंट अफेयर्स की और वही IR में अप्लाई हो रही है। इसका मतलब अगर आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश ऐसे अच्छा लिख सकते हैं तो आप IR भी अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं और फिर IR में अच्छा अटेम्प्ट करने वाले के बहुत मार्क्स आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो एक अच्छा सब्जेक्ट है और 60% जैसे मैंने कहा तो वहीं कवर हो जाता है, बाकी 40% उससे भी कम रह जाता है आपका IR, तो एक IR अच्छा सब्जेक्ट है। सिमिलरली आप बाकी रख सकते हैं 400 की और रखने हैं आपने, एक आप रखें जैसे मैंने रिकमेंड किया अमेरिकन हिस्ट्री, पाकिस्तान जो हिस्ट्री है इंडो पाक हिस्ट्री जो है वो बुरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इंडो पाक हिस्ट्री में इतना ही है कि बस आप इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ लें, लेकिन अमेरिकन हिस्ट्री हो या इवन वैसे तो मैं अमेरिकन हिस्ट्री रिकमेंड कर रहा हूँ, यूरोप में बहुत अच्छा सब मेरा अपना जो एक्चुअली फील्ड ऑफ स्टडी है वो एक डाइवर्स फील्ड ऑफ स्टडी है, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में इंजीनियरिंग और बैचलर्स लेकिन लॉ भी, लेकिन इन जनरल जो मैंने चीज़ें ऑफकोर्स CSS की प्रिपरेशन में और बाद में जो पढ़ी हैं जो पढ़ाता भी हूँ उसमें मेरा जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो IR है, पोलिटिकल साइंस है और उसमें यूरोपियन हिस्ट्री है, ब्रिटिश हिस्ट्री है, अमेरिकन हिस्ट्री है, उसमें इंटरनेशनल लॉ है और करंट अफेयर्स, मतलब ये कि सारी चीज़ें बड़ी इंटरलिंक्ड है। अब जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं मिसाल के तौर पे तो आपको नॉलेज भी चाहिए और ये नॉलेज जो है आपको इंडो पाक हिस्ट्री से उतना नहीं मिल सकता, क्योंकि इंडो पाक हिस्ट्री का जो पेपर ए है मुगल पीरियड या सुल्तान पीरियड उससे उतना नहीं मिलेगा, खास तौर पे जो आपके एसे के पॉइंट ऑफ व्यू से है,
जितना आपको मिलेगा यूरोपियन हिस्ट्री से ये, लेकिन जो कि अमेरिकन हिस्ट्री रिलेटिवली शॉर्टर हिस्ट्री है बाकियों से, इसलिए मैं आपको अमेरिकन हिस्ट्री रिकमेंड करूँगा। तो इसलिए एक और आपको आंसर मिल गया, और वैसे भी इसमें नॉलेज रिलेटिवली ज़्यादा है आपका, जो आपके जिसे कहते हैं आप इन्विजन्ड होते हैं ज़्यादा कि जी यूरोप में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ। आप देखिए जब करंट अफेयर्स लिख रहे हैं, ये एसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, इवन आयर भी कर रहे हैं, तो आपका माइंड जो है मस्ट थिंक, इट मस्ट जो है इसमें क्या कहते हैं से, यू मस्ट हैव आइडियाज कि यूरोप में पहले क्या हुआ था और अमेरिका में पहले क्या हुआ था। अब मिसाल के तौर पे आप लिख रहे हैं एक एस्से जिसका जिसका जो है डेमोक्रेसी के ऊपर, और डेमोक्रेसी पे एस्से अगर लिख रहे हैं और वो जनरल एस्से आया, तो लासी मात उसमें सिर्फ आपने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का तो नहीं लिखना, आप तो जनरल एस्से लिख रहे हैं, तो डेमोक्रेसी का नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। और डेमोक्रेसी का नॉलेज अपार्ट फ्रॉम जो कि लाजिम बात है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनके उनके कुछ पॉइंट्स भी हैं, लेकिन उसका नॉलेज जो है वो आपको हिस्ट्री में से मिल सकता है। मिसाल के तौर पे जो अमेरिका है ये डेमोक्रेटिक स्टेट था, अभी भी ऑफकोर्स है, और इंग्लैंड जो है ये भी डेमोक्रेटिक स्टेट था, अभी भी है। इसका मतलब हुआ कि एक वक्त था जब, मैं पुरानी ग्रीक डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, एक वक्त था जब सिर्फ जो है इंग्लैंड वॉज अ डेमोक्रेटिक स्टेट इन द वर्ल्ड, उसके बाद फिर अमेरिका भी डेमोक्रेटिक आ गया। फिर अभी लाजिम बात है कि डेमोक्रेसी जो है एक्चुअल डेमोक्रेसी जो ट्रू डेमोक्रेसी है वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एलीट क्लास की नहीं होती, उसमें तो लाजिम बात है हर कोई जो है उसके उसको रिप्रेजेंट होना पड़ता है इन द पार्लियामेंट। तो अमेरिका भी लाजिम बात है कि शुरू में हर किसी को वोट डालने का राइट नहीं था, मिसाल के तौर पर ब्लैक्स जो है अफ्रीकन अमेरिकन जो है दे कुड नॉट वोट। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकन अफ्रीकन अमेरिकन जो है उनके तो वो स्लेव्स थे, उनके स्लेवरी जो खत्म हुई 1865 में, उसके बाद उनको सिटीजनशिप उसके बाद मिली, उसके बाद उनको मिला है बाय द 15th अमेंडमेंट जाके उनको मिला है द राइट टू वोट। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें जो है किस तरह से डेमोक्रेटिक स्टेट्स आगे बढ़ी हैं, और इस तरह अमेरिका का एक दौर है 1890s का लेकर कोई 1914 से 1918 था जिसको प्रोग्रेसिव दौर कहते हैं, उसमें कई प्रेसिडेंट्स हैं जिसमें थियोडोर रूजवेल्ट भी है, टैफ्ट भी है, वुड्रो विल्सन भी है, जिसने किस तरह से डेमोक्रेसी को प्रमोट किया है। इस तरह इंग्लैंड जो है उसमें डेमोक्रेसी आप समझ लें जब आना शुरू हुई उसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं 1688 का, और उसके बाद फिर बिल ऑफ राइट्स 1689 का, और तब पार्लियामेंट बिकेम स्ट्रॉन्गर देन द किंग, लेकिन तब भी इंग्लैंड के अंदर ट्रू डेमोक्रेसी नहीं थी क्योंकि अपर क्लास जो थे उसके रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट। फिर उसके बाद 1832 में जाके मिडिल क्लास गॉट द वोट, 1867 में जाके वर्किंग क्लास गॉट द वोट, फिर जाके औरतों को तो वोट मिला बाद में जाके, अमेरिका में मिला 1920 में जाके, इंग्लैंड में भी 1920 में मिला। तो मतलब कहने का यह है कि ये नॉलेज हासिल करना जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंग्लिश ऐसे लिखने के लिए और करंट अफेयर्स। सो देयर्स दिस क्वेश्चन फ्रॉम मलिक एंड ही सेज कि जी नेशन ऑफ नेशंस अमेरिकन हिस्ट्री के लिए इज इट अ गुड बुक, नेशन ऑफ नेशंस जो है इट्स अ वेरी फाइन बुक, बहुत अच्छी किताब है, और उसको मैंने पढ़ा है नेशन ऑफ नेशंस को, और अच्छी किताब है। बस ये है कि थोड़ी सी लेंथी है, देखिए वो बात सिर्फ आपने ये बात की है, मैंने इसका आंसर सिर्फ आपको देना चाह रहा हूँ कि अमेरिकन हिस्ट्री की जो किताब लिखी हुई है ये नेशन ऑफ नेशंस जो आपने कही है बुक, उसको पढ़ने के बाद भी लिखी गई है, और इस तरह सामने मेरे वो नहीं पढ़ी हुई, लेकिन इट्स अ क्वाइट थिक बुक, और जो है लेकिन वही बात है कि आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज बिल्कुल हासिल होगा। लेकिन फिर होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कई दफ़ा एक थिक बुक को लेकर पढ़ना, उसमें से फिर अपना नोट्स बनाना, लाजी बात है कि पढ़ना और चीज़ है, उसमें फिर क्रक्स नोट्स बनाना, ये वो चीज़ें कई दफ़ा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, इसलिए ये बुक जो है दिस इज द रीज़न कि हमारी बुक्स आपको प्राइसी लग रही हैं। काफ़ी सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आपकी बुक्स एक्सपेंसिव हैं, तो देखिए या तो आप 10, 12, 15 बुक्स खरीदें, वो दैट वुड बी मोर एक्सपेंसिव। तो इस पर बहुत मेहनत हुई हुई, और वंस यू हैव दिस तो दिस इज ऑल दैट यू नीड। उसके बाद फिर आपको कुछ और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखें ये जो मैंने बताया आपको, एक स्टूडेंट ने पढ़ लिया नेशन ऑफ नेशंस, उसने किसी और ने कोई और पढ़ ली, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने नेशन नेशंस का जिक्र किया जो कि फॉरेन ऑथर की बुक है, लेकिन ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स जो उनसे वो तो यहाँ लोकल पब्लिश की किताब पढ़ते हैं या कि अमेरिकन हिस्ट्री की, और फिर उनके आगे से रिजल्ट जो आते हैं वो फिर हमें सबको पता है। लेकिन ये किताब जैसे मैंने बताया, ये नेशन ऑफ नेशंस क्या, इस तरह की कई किताबें पढ़ने के बाद देखा गया कि नेशन ऑफ नेशन में कौन सी काम की बात है, उसमें कौन सी काम की बात है, फिर लिखने के बाद फिर ये किताब आई है। इसलिए आपको फिर एक किताब ही पढ़ना काफ़ी है, इंस्टेड ऑफ जैसे सर ने कहा कि न्यूमरस बुक्स जो उनसे आप लें और फिर अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे और पैसा। फातिमा आपका और इनफैक्ट फिजान और बहुत सारे लोग जो पूछ रहे हैं फॉर फी स्ट्रक्चर, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आपने कंपलसरी कोर्स करना है
फुल, तो उसके भी चार्जेस हैं। अगर आपने इंडिविजुअल कोर्सेज लेने हैं वो भी ऑप्शन है। हम कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों ऑफर कर रहे हैं। फर्स्ट 2 मंथ्स हम कंपलसरी पढ़ाएंगे और इसको स्केड्यूल्ड क्लासेस होंगी आपकी 6 days a week, और उसके बाद फिर हम आपके 2 मंथ्स के बाद इंशाल्लाह ऑप्शनल्स पे मूव करेंगे। ये कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं जो मोहम्मद अल्ताफ सर्वर इज आस्किंग कि जी पॉलिटिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, पंजाबी, पब्लिक एड एंड क्रिमिनोलॉजी, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? अच्छा कॉम्बिनेशन है और इट्स नाइस कॉम्बिनेशन, लेकिन बस पॉलिटिकल मैं भी थोड़ा आना ही चाह रहा हूँ ऑप्शन सब्जेक्ट की तरफ। मैं भी मैंने पहले बताया आया, फिर मैंने बताया इसमें अमेरिकन हिस्ट्री, फिर थर्ड जो है जी उसमें आप इन्वायरमेंटल साइंस या जेंडर स्टडीज़, क्योंकि एक ही ग्रुप में आते हैं उनमें से आप एक रख लें। जेंडर स्टडीज़ ये है कि जेंडर स्टडीज़ एक रिलेटिवली चूँकि शॉर्टर सब्जेक्ट होगा, उसमें आपने सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, समझना, और आप उसको लिख सकते हैं। जबकि इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर जो है आपको साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो करने क्लियर करने पड़ते हैं, और ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा जिनको थोड़ी साइंस की सेंस है। तो बहर दोनों अच्छे सब्जेक्ट। सिमिलरली आप अगला ग्रुप जो है एक उसमें से क्रिमिनोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है और वो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्रिमिनोलॉजी की बुक्स भी पूछ रहे हैं जी। क्रिमिनोलॉजी की बुक्स जो हैं जिन स्टूडेंट्स को चाहिए होंगी उनको हम प्रोवाइड करेंगे। अरशद खान, आपने इन्होंने कमेंट किया है कि आई हैव गॉट 80 मार्क्स जस्ट प्रिपेयर्ड लेक्चर्स बाय सर अहमद। आप किस सब्जेक्ट की बात करते हैं, किस सब्जेक्ट में आपके 80 मार्क्स आए हैं? चलें उसमें देखते हैं कि उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, लेकिन बहरहाल इसके अलावा जो एक लास्ट ग्रुप है उसमें सोशियोलॉजी, उसमें जर्नलिज्म या पंजाबी, ये तीनों अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कोई आप एक रख लें। तो ये जी बायोलॉजी के लिए भी जहरा मंजूर पूछें कि जी बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन रख सकते हैं? बायोलॉजी में क्या किया? शी इज जस्ट रिटन कि जी देखिए जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो चाहे बायोलॉजी के हों या कोई और हों सिवाय इंजीनियरिंग के, या जिन्होंने मास्टर्स किया फिजिक्स में वो फिजिक्स रख लें, उनके लिए बेहतर होगा, या जिन्होंने लाइक मास्टर्स मैथ्स में किया सिर्फ वो मैथ्स रख लें। दो मैथ्स रखने पड़ते हैं ग्रुप टू में से, क्योंकि ग्रुप टू वो ग्रुप है जिसमें 200 पूरा करना पड़ता है, चाहे 100-100 क्यों, बाकी किसी ग्रुप में आप एक से ज्यादा नहीं रख सकते। फराज, आपने एम कॉम किया हुआ है तो उसके लिए ऑप्शनल डेफिनेटली, अगर आपका अच्छा स्कोर है तो फिर आप बिजनेस स्टडीज रखिए, उसके साथ आपने मर्केंटाइल लॉ भी पढ़ा होगा एमकॉम में, आप उसके साथ कॉम्बिनेशन रखिए। जी ये जो एक चूंकि सैर इज मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो इसमें कॉम्बिनेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एमकॉम किया है या एसीसीए किया हुआ, उनके लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। जैसे कि अकाउंटिंग 200 का है, 100 का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 100 का मर्केंटाइल लॉ, ये 400 ही हो गए, बाकी 200 आप कोई रख लें, एक अमेरिकन हिस्ट्री रख लें और एक चाहे आप जेंडर स्टडीज रख लें या सोशियोलॉजी रख लें, इसलिए वो कॉम्बिनेशन 600 गए। लेकिन जहां तक देखें उसमें कोई स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस रखना चाहते हैं, एग्जैक्टली ये बिलावल पॉलिटिकल साइंस एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और लेकिन इट्स टू लेंथी, और इसलिए जो है उसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं फिर इतना लेंथी सब्जेक्ट कई दफ़ा नहीं पढ़ते। जैसे मैंने कहा उसकी जगह IR जो है उसका 60% कोर्स तो आपने करना ही करना है, तो बाकी 40% कोर्स आपका रहता है जो आप कर सकते हैं, और ख़ासतौर पे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। और लेकिन बहरहाल अगर आप पॉलिटिकल साइंस जो करना चाहते हैं वो एक अच्छा सब्जेक्ट है, उसमें लेकिन लेंथी है जी। सो बिलावल अली शेख पूछ रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, यूरोपियन हिस्ट्री, जेंडर एंड सिंधी, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। बस वही बातें आ जाती हैं कि यूरोपियन हिस्ट्री जो है इट्स थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और देन इनामुल हक पूछ रहे हैं कि सोशियोलॉजी या फिर गवर्नेंस कौन सा सब्जेक्ट बेहतर है? मैं समझता हूँ कि सोशियोलॉजी अच्छा, इसलिए कि सोशियोलॉजी जो है एक तो वो स्कोर देगा आपको इंशाल्लाह, दूसरा ये है कि उसका नॉलेज अच्छा है और वो नॉलेज आपको इंग्लिश एसे में काम आ सकता है, गवर्नेंस का शायद आपको काम ना आए। अरशद खान के जी US हिस्ट्री में 80 मार्क्स आए और उन्होंने हमाद की बुक पढ़ी है, तो बड़ी अच्छी बात है। देखें आप, अभी एक स्टूडेंट ने कहा कि उसके 80 मार्क्स हैं और उसने यही बुक पढ़ के जो है उसके 80 मार्क्स आए। अच्छा जी, सो पॉलिटिकल साइंस की बुक सजेस्ट करें, अजहर जिलबानी पूछ रहे हैं। देखिए पॉलिटिकल साइंस की वैसे तो हमारे पास बहुत सी बुक्स हैं जो फॉरेन ऑथर्स की हैं, और हम अपने स्टूडेंट्स को जो है अगर कोई पढ़ना चाहता है पॉलिटिकल साइंस तो वो फिर जो क्लास क्लास लेक्चर्स होते हैं उनमें हम उनको पढ़ाते हैं, और मैं खुद ही उनको
पढ़ाता हूँ। दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर, लेकिन चूंकि वो हमारे अभी हम जो बुक्स हैं फॉरेन ऑथर्स कुछ ऐसी हैं जो अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको फॉरेन ऑथर्स की कुछ एक दो किताबें बताता हूँ। एक जूड हामन जो फेमस बुक है जो आपको आराम से मिल सकती है, वो जूड हामन की है, और तो ये आप पहले लेके पढ़ें और इंशाल्लाह इसमें काफ़ी आपको हेल्प मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि ये जूड हामन की जैसी बुक है, ये तो बेसिकली फ़िलासफ़र्स के बारे में है, लेकिन इसके अलावा फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो कि उसमें उनकी थ्योरी है पॉलिटिकल साइंस, और थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए तो आप जो है, चूँकि ज़्यादातर जिसमें बुक्स फॉरेन ऑथर्स की हैं वो इस थ्योरी के बारे में उतनी नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए फिर आपको कुछ इंडियन ऑथर्स की बुक्स एक तो हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल होती हैं। अच्छा जी, सो मोहम्मद आमिर इज आस्किंग कि इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन क्या है, तो हमाद हिमसेल्फ इज एन इंजीनियर आल्सो, तो हमाद आप बताइए कि इंजीनियरिंग के लिए, देखिए इंजीनियरिंग जो है उसके लिए जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें पहले तो आपको फैसला करना पड़ेगा कि आपने फिजिक्स रखनी है तो वो फिर अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन उसके लिए अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे आपको, और दूसरा फिर वही मैंने जैसे कहा IR है 200 का, 400 ये हो गया, और बाकी 100-100 के आप रख लें, एक एनवायरमेंटल साइंस रख लें, एक क्रिमिनोलॉजी रख लें, आपके लिए अच्छे हैं। चौधरी ताहिर असगर, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो यूजुअली जितना हमारा एक्सपीरियंस है, जो आपने कंप्यूटर साइंसेज है उसमें बहुत थोड़ा पार्ट है जो आपको हेल्प करेगा, तो वी सजेस्ट कि आप कंप्यूटर साइंसेज के बजाय दूसरे सब्जेक्ट्स को चूज करें, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद जो पेपर आप देखते हैं, आप पास्ट पेपर्स रिव्यू करें, तो उसमें बहुत थोड़ा पार्ट जो है वो आपको लग रहा होगा कि आप हैंडल कर सकते हैं। जी, तो हमारे भी क्वेश्चंस करें, आप बताएंगे कुछ और। तो ये मैंने आपको काफ़ी, इसमें उम्मीद है कि आपको इसका आइडिया मिल चुका होगा। दूसरी बात ये है कि हमारे जो लेक्चर्स हैं, ये वाले जो आप ऑनलाइन अगर इसमें लेते हैं एडमिशन, तो जो लेक्चर्स हमारे हैं ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली माशाल्लाह डिलीवर किए गए हैं, और हर एस्पेक्ट जो है उसको डिस्कस किया गया है, और इसलिए दैट वुड बी सर्टेनली बेनिफिशियल। और इसके अलावा जो है क्वेश्चन अगर आपके हैं तो मैं उनको आंसर कर देता हूं। साइमा पूछ रही हैं कि एसे प्रिपरेशन के लिए बुक कौन सी अच्छी है, तो हमारे ने आपको अभी बताया है कि एसे के लिए कोई CSS एसे इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लिटरी एसेज, जैसे लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एसे राइटिंग इज ऑल्टुगेदर डिफरेंट। अगर आप बात कर रहे हैं CSS के लिए, तो उसमें सबसे क्रूशल है आपका नॉलेज करंट अफेयर्स का, और उसके लिए हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें आपने दोनों चीज़ों पर फोकस करनी है। करंट अफेयर्स आपका नॉलेज बिल्ड करेगा, और ऐसे राइटिंग का कोर्स आपको उस नॉलेज को रिप्रोड्यूस करना सिखाएगा। इसमें याद रखें, इंग्लिश ऐसे के ऊपर कोई किताब अवेलेबल नहीं, ये आप ये ध्यान रखें। आप मार्केट में आज, इसमें पहले कहा इंग्लिश ऐसे जाएंगे मार्केट से, लिखा होगा इंग्लिश ऐसे फॉर CSS, वो सब पैथेटिकली रिटर्न है, इनके बेकार है वो। असल चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे लिखने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, और ऐसे लिखने का नॉलेज लिहाजा इंग्लिश बेहतर होनी चाहिए थोड़ी, और नॉलेज भी चाहिए, लेकिन नॉलेज कहाँ से आएगा उसके लिए? करंट अफेयर्स, उसके लिए अगर IR के साथ है तो फिर बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है कि आपका नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ने से ही आप ऐसे लिख सकते हैं, वरना आपके लिए मुश्किल होगा। अच्छा, अब क्वेश्चंस तो माशाल्लाह बहुत सारे हैं, अभी अभी हमारा वेबिनार काफ़ी ऑलरेडी लंबा हो गया, हमें लगता है हम आज सेशंस दोबारा भी रखने पड़ेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस जो ब्रॉड क्वेश्चंस हैं हम उनको आंसर कर लेते हैं। तो एक तो पूछा गया है कि जी ज्वाइन कैसे करें, तो ज्वाइन करने का तरीका है, अभी फ़िलहाल बिकॉज ऑफ कोरोना आउटब्रेक हमारी अकेडमी बंद है, जब हालात नॉर्मल होंगे तो आप यहाँ पर रेगुलर क्लासेस ले सकेंगे इंशाल्लाह। अभी आप ऑनलाइन हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर ये है कि 9th May इज़ द डेडलाइन फॉर एडमिशंस, उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पर जाएंगे, उस पर सारे कोर्सेज दिए हुए हैं, फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वेबसाइट है जी CSSOfficersOnline.com, वहाँ पर जाकर आप रजिस्टर करेंगे, हमारा हेल्प डेस्क दे विल कॉन्टैक्ट यू, अगर आप शाम को करेंगे तो द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगर आप सुबह करेंगे तो उसी दिन आपको कॉल आ जाएगी, एंड दे वुड टेल यू एवरी डिटेल जो रिक्वायर्ड है। आपको बैंक डिटेल्स दिए जाएंगे जिसमें आप डिपॉजिट करेंगे, कुछ दिनों में इंशाल्लाह हमारा क्रेडिट डेबिट कार्ड भी ऑपरेशनल हो जाएगा, सो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकेंगे। सो वंस यू ज्वाइन दैट कोर्स, तो आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया जाएगा, आप अपने पोर्टल में एक्सेस करेंगे, एंड देयर यू गो, आप अपनी ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं।
अच्छा जी, सो ऐसे राइटिंग के बारे में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ आपने जवाब दे दिए हैं. मिसबा पूछ रही हैं जी, मैक्सिमम एज लिमिट अबाउट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज क्या है? सीएसएस की जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की एज वो है 32, और वो है अगर आपने 2 years कंटिन्यूस सर्विस हो तो, और पीएमएस वालों के लिए वो 35 है अगर कंटिन्यूस सर्विस 4 years हो तो. बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसमें जवेरिया है, अली शिराजी हैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि कितना टाइम चाहिए हमें अगर हम सीएसएस की तैयारी स्टार्ट करते हैं, और क्या कोई एवरेज स्टूडेंट जो है वो सीएसएस को क्लियर कर सकता है? देखिए, पहली बात है आपने आपको एवरेज ना समझे. देखिए, बात यह है कि आप एवरेज नहीं है, इसलिए एवरेज आप अपने आपको कंसीडर करते हैं कि सम हाउ आपका एकेडमिक बैकग्राउंड शायद कुछ अच्छा नहीं रहा होगा, या आपको किसी ने प्रॉपर जो है वो आपकी सोशलाइजेशन नहीं की. और मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की. ऑफकोर्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अभी भी समझते हैं कि आप मेहनत कर सकते हैं और आप में पैशन है करने का कुछ ज़िंदगी के अंदर, तो आप अभी कर सकते हैं. पहली बात ये अपने ज़हन में रखें. दूसरी बात ये, मैं मतलब हम उन अकेडमीज की तरह नहीं हैं कि हम स्टूडेंट्स को डराएं कि देखें जी आप नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब हम जो 30 मार खाएं या बैठे हुए. हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो रियलिटी बताते हैं, हम उनको बताते हैं कि हर इंसान कर सकता है. मैं अगर कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, हर इंसान कर सकता है. असल चीज़ ये है कि मुझे सही गाइडेंस मिली होगी, मैंने सही डायरेक्शन की तरफ मूव किया होगा. लेकिन जिनको सही गाइडेंस नहीं मिलती, सही डायरेक्शन की तरफ मूव नहीं करते, उन जिंदगी में मसाइल का सामना उठाना पड़ता है. लेकिन जो इनको डायरेक्शन मिलती है सही, लाजमी बात है वो जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. इससे पहली बात है कि ये चीज़ें जो हैं आप ना सोचें. और एक उनके बाद क्या बात है, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो हमाद इज राइटली सेइंग दिस कि आपको डोंट लेट अदर्स टेल यू कि आप जिंदगी में क्या कर सकते हैं. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग अप टू मी एंड टेलिंग मी कि अदर्स आर टेलिंग देम कि वो नहीं कर सकते. ये मैं थोड़ा इसको एलैबोरेट करना चाहता हूँ. मेरे पास कई स्टूडेंट्स आए हैं और उन्होंने मुझे कहा जी कि सुना है जी लोग कहते हैं तो ये तुम नहीं कर सकते. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बताओ तुम्हें किसने कहा है कि नहीं कर सकते? उसने कहा जी फलां फलां किसी ने कहा. तो मैंने कहा ये दो ही लोग हो सकते हैं जो कह सकते हैं, एक वो है जिसने सीएसएस नहीं किया और एक है जिसने सीएसएस किया है. जिसने नहीं किया वो तो खुद नहीं कर चुका, तो आपको क्या कहेगा क्या कर जाएंगे? और जिसने किया है वो आपको कैसे कह सकता है कि आप नहीं कर सकते? इसका मतलब है कि आपके अपने ऊपर है कि आप कर सकते हैं या नहीं, लेकिन उसके लिए रास्ता डायरेक्शन चाहिए. दूसरी बात ये है कि ये जो ऑनलाइन कोर्सेज हमने शुरू किए हैं ये 4 महीने के हिसाब से इसको प्लान किया गया है. अब स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि कितना टाइम चाहिए, तो मकसद 4 महीने का प्लान किया गया और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली उसको जो है प्लान किया गया है. और उसको अगर आप सही तरीके से सुन लेते हैं तो आपको डायरेक्शन मिल सकती है. आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि मैंने ये करना है, उसके अंदर जो दिया गया होगा उसको आपने समझना है, उसे बेहतर करना है, और जो हमारा मटेरियल हम देंगे इंशाल्लाह उस पर फोकस करने की ज़रूरत है. तो इंशाल्लाह फिर आप 4 महीने के अंदर भी सारा कुछ जो है वो ख़त्म कर सकते हैं. जी, तो नाउ इज़ द टाइम कि जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था इन द बिगिनिंग कि हम आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे जिससे आप एक लेक्चर जो है वो एक्सेस कर पाएंगे और एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि ये कोर्स कैसा है. सो आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपने हमारे वेबसाइट पर जाना है विच इज़ csofficersonline.com. वहाँ पर आपको दिखेगा एक स्टूडेंट लॉगिन और आप उसको क्लिक करेंगे, आपके पास पोर्टल एक्सेस आ जाएगा. यूजर नेम आपने यूज करना है 1222. ओके, 1222. ओके, दैट इज योर यूजर नेम. और आपका जो पासवर्ड है वो है pakistan@123. पाकिस्तान का पी कैपिटल है, pakistan@123. सो आपका यूजर नेम है 1222 और पासवर्ड है pakistan@123. ये आपने किधर यूज करना है, आपने वेबसाइट पे जाके स्टूडेंट लॉगिन में ये यूजर नेम और पासवर्ड देना है. और आपके पास एक दिन का टाइम है, हम कल शाम तक ये एक्सेस आपको अवेलेबल की हुई है. आप ये देखिए और हमारे कोर्स को एक्सपीरियंस करें. एंड थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया सेमिनार में. माशाल्लाह वी गॉट वंडरफुल रिस्पॉन्स. और आप जब हमारे इस कोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे तो डू गिव अस द फीडबैक. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. और जो है आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस सेमिनार और वेबिनार को अटेंड किया. होपफुली इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी इस एफर्ट से आप जो है ज़िंदगी में कुछ हासिल करके कुछ बन सकें.
एंड वी आर हियर टू फैसिलिटेट यू. हाँ, दूसरी बात ये जो ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं ये उस तरह के कोर्स नहीं है कि आपने सुन लिया. इसमें बहुत सा प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको दिया जाएगा इंशाल्लाह, और इसमें और रूटीन टेस्ट भी इसके अंदर. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग दैट यू ऑलरेडी सीन. रूटीन टेस्ट भी होंगे और उस पर आपको एक फीडबैक भी मिलेगा इंशाल्लाह. और आप जो है जैसे सैयर ने कहा कि आफ्टर 10 days ऑफ फोर्टनाइट आपको जो है लाइव सेशन में भी कुछ मसाइल आपके जो होंगे अगर फिर भी तो उनको रिजॉल्व किया जाएगा, रिड्रेस किया जाएगा इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.